बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम 19 अगस्त को रिलीज होगी और रिलीज के साथ ही 5 महीनों से बंद थिएटर में एक खुशी की लहर दौड़ी। लेकिन रिलीज के साथ ही बेल बॉटम विवादों में है। उसके कई सीन इतने विवादित हैं कि उसे कई देशों ने अपने देश में फिल्म को रिलीज करने से बैन कर दिया है। आखिर वो कौन से सीन हैं, किन वजहों से, किन किन देशों ने अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम को रिलीज करने से उन पर बैन लगा दिया है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें NBT एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले आपको यहीं पर मिलती हैं। अक्षय कुमार जब अपनी फिल्म बेल बॉटम को थिएटर में रिलीज करने का फैसला किया तो फैंस के साथ साथ थिएटर्स के मालिकों के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। आखिर एक लंबे वक्त के बाद कोई फिल्म थिएटर में रिलीज होने जा रही थी। 19 अगस्त को रिलीज हुई बेल बॉटम को जहां भारत में दर्शकों का जमकर प्यार मिल रहा है, वहीं खबर है कि इसे सऊदी अरब, कुवैत और कतर में, आपको बता दें कि सऊदी अरब, कुवैत और कतर में फिल्म को बैन कर दिया गया है। आखिर क्या वजह है इस फिल्म को 3 अरब देशों में बैन कर दिया गया है। दरअसल बेल बॉटम में उस के वक्त के दौरान की एक सच्ची घटना पर आधारित है जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 अरब देशों के सेंसर बोर्ड ने बेल बॉटम के एक सीन पर आपत्ति जताई है। वहां के फिल्म सर्टिफिकेट बोर्ड ने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के कारण फिल्म को अपने यहाँ रिलीज करने से इनकार कर दिया है। इस सीन के कारण फिल्म की रिलीज पर बैन, जिस सीन पर आपत्ति जताई जा रही है वह सीन के सेकेंड हाफ में आता है, जिसमें दिखाया गया है कि प्लेन को हाईजैक करके लाहौर से दुबई लाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सोर्स ने बताया कि दरअसल असल में यह घटना साल 1984 में हुई थी जब संयुक्त अरब अमीरात के तत्कालीन रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने व्यक्तिगत रूप से उस स्थिति को संभाला था और वहीं के अधिकारियों ने ही हाईजैकर्स को पकड़ा था। सोर्स ने आगे बताया कि हो सकता है वहां सेंसर बोर्ड ने उसी सीन पर आपत्ति जताई होगी और फिल्म को रिलीज करने से इनकार कर दिया होगा। बता दें कि बेल बॉटम में अक्षय कुमार के अलावा लारा दत्ता, वाणी कपूर और हुमा कुरैशी हैं। क्योंकि देश भर में सिनेमाघर अभी सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ ही खुले हैं, इसलिए इसका असर फिल्म की कमाई पर भी देखने को मिला है। 19 अगस्त को रिलीज हुई बेल बॉटम ने जहां पहले दिन 2,75,00,000 रुपए का बिजनेस किया, वहीं दूसरे दिन शुक्रवार को फिल्म की कमाई बढ़ने की बजाय घट गई। हालांकि वीकेंड पर फिल्म की कमाई में कुछ इजाफा भी देखने को मिला। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम रिलीज के साथ ही खबरों में है, विवादों में है, लेकिन कमाई के मामले में उनकी कमाई वीकेंड में घट गई। अब देखना है कि दूसरा जो वीकेंड है वो बेल बॉटम के लिए किस तरीके से जाता है और क्या जिन सीन को लेकर अरब देशों ने, 3 अरब देशों ने आपत्ति जताई है और फिल्म को बैन कर दिया है, क्या वो उन सीन को कट करके वहां पर री-रिलीज किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट। नमस्कार।